हेलो स्टूडेंट, मैं जिज्ञासु और आज हम लोग पहुंच चुके हैं ब्लॉगर के 9th क्लास में। आज इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हम जो पावर्ड बाई ब्लॉगर जो वहाँ पे उसका लोगो है, हम उस लोगो को कैसे वहाँ रिमूव करेंगे। ये बहुत आसान है, आज का क्लास बहुत छोटा होने वाला है। मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आप उस लोगो को कैसे वहाँ से रिमूव करोगे। सबसे पहले मैं अपने साइट के ऊपर लेकर आपको चलता हूँ। ये देखिए, मेरे पास हमारी जो साइट है वो मैंने लॉगिन करके रखा है। आपको यहाँ पे नीचे मैं आपको पहले वेबसाइट को दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट पर आपको देखिए, यहाँ से सबसे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पावर्ड और ब्लॉगर और एक लोगो देखाने को यहाँ पे मिलेगा। आप इसे हटाना चाहते हो तो इसे हटाने का बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपको डिस्क्रिप्शन में, हाँ, वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक को वहाँ से कॉपी करके अपने ब्लॉगर में पेस्ट कर सकते हो। मैं आपको वो लिंक दिखला देता हूँ। वो लिंक ये होने वाला है, ये लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप इसे कॉपी करके अपने साइट में आएंगे। साइट में आने के बाद आपको यहाँ पे थीम में आना है। थीम में आने के बाद आपको यहाँ कस्टमाइज पे आना है। कस्टमाइज में आपको क्या करना है, यहाँ पे एडवांस आपको दिख रहा होगा, इस एडवांस के ऊपर आइए और यहाँ पे ये पेस्ट टेक्स्ट है, इसे आपको बदल के यहाँ पे करना है ऐड सीएसएस। ऐड सीएसएस पे करने के बाद आपको इस जगह पर आपको उस कोड को पेस्ट कर देना है। आप चाहें तो इसे यहाँ पर देख कर मैनुअली टाइप भी कर सकते हो, नहीं तो मैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में कोड दे दिया हूँ, आप वहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे इसे पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप इसे सेव कर दो। सेव होने के बाद मैं इसे बैक कर लेता हूँ और मैं अपने साइट पे आता हूँ। इस साइट को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से देखिए, वो हमारा जो पावर्ड ब्लॉगर था वो यहाँ से आसानी से यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो आप इस तरह से बहुत आसानी से इस तरह के आप जो डिफ़ॉल्ट जो ब्रांडिंग है उसे आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अब इसे देख कर कोई नहीं कह सकता कि ये ब्लॉगर वेबसाइट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका फेवी आइकन चेंज कर दिया। नीचे जो पावर्ड है ब्लॉगर था मैंने उसे भी चेंज कर दिया। अब बच गया मैं जो थीम जो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ किया, तो मैंने पिछले क्लास में इससे भी आपको चेंज करना सिखलाया था। तो मैं आगे आने वाले क्लासेस में उस प्रीमियम जैसे लुक वाले थीम को मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। तो आज इस क्लास में नहीं, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, जिस क्लास में मैं आपके साथ मिलकर एक एडवांस एचटीएमएल और सीएसएस को ऐड करना अपने एक ब्लॉगर वेबसाइट में सीखेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।